सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। यहाँ हम लोग हैं आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पे एसबीआई और आरबीआई का एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है जो हजारों की तादाद के अंदर यहाँ पे लोगों को चाय पानी की नाश्ते की व्यवस्था की। सर आपका नाम जानना चाहूँगा पहले तो। मेरा नाम जयप्रकाश गुरावा है जी। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत हूँ जी, और ऑल इंडिया रिजर्व बैंक SC ST एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन का मैं महासचिव हूँ जी। अभी जो आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम करा, लेकिन आगामी क्या योजना रहेगी, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती भी जा रही है, उसके लिए क्या SBI और RBI क्या कर रहा है? SBI और RBI ने पहली बार 6 दिसंबर को ये स्टॉल लगाया है जी, और इसमें चाय और नाश्ते की व्यवस्था की है जी। आगे फ्यूचर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी समाज संस्था है जिसके अंदर 139 टोटल संस्थाएं उसके अंदर समाहित हैं, वो सब मिलके हम अगली बार कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग ये स्टॉल लगाएं और अपनी अपनी व्यवस्था करें। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई, बाबा साहब का कारवा, जब बाबा साहब ने भी एक, बाबा साहब के लिए भी एक लाइन है, कहते हैं मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो इसी तरीके से आज महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर बहुत सारे लोग नहीं आते थे, लेकिन SBI जैसी और RBI जैसे लोग यहाँ पर अब आके बड़े संगठन को बड़ा कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर 14 तारीख से ही बड़ा हो सकता है। क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या आगे आप लोग कार्य करेंगे इसके लिए, समाज के लिए, जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है उस पर? सुरेंद्र सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं जय भगवान बोध, प्रेसिडेंट SBI SC ST वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल जी। हमारी जो इस बार हमने ये प्रोग्राम किया है RBI की एसोसिएशन के, ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ मिलके और शुरुआत की है, हम अगली बार जो है बाबा साहब के जीवन से संबंधित उसका जीवन परिचय पे एक किताब, कैलेंडर और बकायदा मॉर्निंग में जो है हम चाय नाश्ते का इंतज़ाम करेंगे, और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको जागरूक करेंगे कि आप अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकारिणी जो उनके एसोसिएशन है उनके साथ यहां पे अपना अपना टेंट लगाएं और अपना अपना जो है प्रोग्राम रखें, ताकि यहां पे बाबा साहब के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। जिस प्रकार 14 अप्रैल को लोग आते हैं, उसी तरह से महापरिनिर्वाण के दिन संसद भवन जाएँ और बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दें। तो हम चाहते हैं कि एक दिन ये प्रोग्राम इतना होगा कि भारतीय संसद जो है उनको 6 दिसंबर का भी अवकाश घोषित करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे पूरे संसद मार्ग को जाम कर देंगे जी। तो हमारी ऐसी एक योजना है, ऐसा हमारी एक सोच है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब सभी संस्थाएं यहाँ संसद मार्ग के ऊपर अपना अपना पंडाल लगा के अपना अपना प्रोग्राम रखेंगे, अपना प्रसाद लगाएंगे, अपने बायोग्राफी बाबा साहब की लगाएंगे, उनके चित्र जो है वितरित करेंगे, तो और युवा पीढ़ी जो है ना उसमें उसको स्थानांतरित करेंगे। तो निश्चित तौर से वो दिन दूर नहीं होगा जब भारतीय संसद को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर छुट्टी घोषित करनी पड़ेगी और पूरा देश जो है ना बाबा साहब को श्रद्धांजलि देगा। बहुत खूबसूरत कहा साहब ने, और कहा भी एक कबीरदास जी का दोहा मुझे याद आ गया, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस तरीके से बहुजन समाज के लोग आज जितने भी सूट बूट पहन के निकलते हैं या ऑफिस में कार्यरत होते हैं, उन सबको सिर्फ बाबा साहब की देन की वजह से ही सारी चीज़ें मिल पाई हैं। और आप 14 तारीख को आएँ या ना आएँ, लेकिन आज के दिन आप सबको यहाँ पर एकत्रित होना चाहिए और विशाल रूपी होना चाहिए, ताकि देश के अंदर सरकारी छुट्टी भी ये घोषित हो सके। आप लोगों ने हमारे चैनल से बात करी सर, धन्यवाद साधु।